नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। चलिए शुरू करते हैं आज का द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल डिस्कशन। और डिस्कशन शुरू करने से पहले हम पढ़ेंगे द स्पीकिंग ट्री। द स्पीकिंग ट्री का आज का आर्टिकल है, बहुत ही मोटिवेशनल है। हमें सिखाता है कि हमने ज़िंदगी को कैसे जीना है, ठीक है, और ज़िंदगी में हमने क्या क्या काम करने हैं, हमारी फाइनल डेस्टिनेशन एक्चुअली क्या है। ओके, तो आज का जो स्पीकिंग ट्री का आर्टिकल है, ये है भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। तो उनकी जो टीचिंग्स है, तो उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, उनके जो एक्शंस, ठीक है, जो उन्होंने कार्य किए हैं उनके बारे में यहाँ पर छोटी सी झलक दी गई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस के एक स्वरूप थे। ओके, जिन्होंने पूरी दुनिया में ये चीज़ बताई, फैलाई कि हमने जो अपनी ज़िंदगी की जंग है उसको कैसे जीतना है। ओके, तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल डोमेन है, ठीक है, जो भगवान की भक्ति का रास्ता है, तो उसके ऊपर यहाँ पर चलने की बात की गई है। उसमें अगर हमने चलना है तो वहाँ पर हमें विजडम चाहिए, ठीक है, सयानम चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी जो है हमें वो अपना कर चलना होगा कि हमने क्या काम करना है, ठीक है। जो भी हम काम करेंगे, जो भी हम एक्शन करेंगे, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। ओके, और अगर किसी से हमने प्रेम भाव करना है, ठीक है, तो किसी के साथ भी हमने जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, जाति के आधार पर, चाहे कोई भी इंसान कहीं से भी उठकर आ रहा है तो हमें जो है उससे प्यार से गले लगाना है। और दूर अंदेशी, दूर की सोच रखनी है, वो दूर की जो सोच है वही जो है हमें जीवन में आगे लेकर जाएगी। तो कृष्णा जी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो सर्वोत्तम थे अपने समय के, ठीक है। वो कभी भी जो ये भरम जाल होता है, जिसको हम वहम भरम बोलते हैं, ठीक है, इसमें कभी भी वो नहीं आए। तो उनके जो एक्शंस थे, जो रिएक्शंस थी, ठीक है, जो भी उन्होंने इंट्रैक्शन की, ठीक है, जो भी उनकी दलीलें थी, वो सारी की सारी उनकी जड़ों के अकॉर्डिंग ही थी। जैसे वो थे खुद, वैसे ही उनके कार्य थे, वैसे ही उनके एक्शन थे, वैसे ही उनके रिएक्शन थे, वैसे उसी तरह से वो इंटरेक्शन करते थे। तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी एग्जांपल और लेना चाहूँगा। जैसे एक पेड़ होता है, ठीक है, जितना घना पेड़ होता है, ठीक है, वो उतना ही शांत दिखता है। ओके, और जितना घना पेड़ होता है, जितना वो फैलता है, उतनी ही उसकी जड़ें होती हैं, उतना ही वो नीचे मजबूत होता है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर बात की गई है कि जितनी हमारी जड़ें मजबूत होंगी, ठीक है, तो उतने ही हम आगे बढ़ेंगे, उतने ही हम रिजिड हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे, कोई भी हमें जो है आकर हिला नहीं सकता। ओके, तो और बात यहाँ पर की गई है कि जो श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर एडवाइस दी है, तो वो क्या एडवाइस दी है कि जो आपकी रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ठीक है, आप उसको एक एक साइड पर रखो और ध्यान लगाओ जो आपका सुप्रीम सेल्फ है उसके ऊपर, एक ही एब्सोल्यूट है, उसके ऊपर आप अपना ध्यान लगाओ। यहाँ पर जो परमार्थ का मार्ग है उसके ऊपर चलने की बात की गई है। ये भी यहाँ पर बात बोली गई कि भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला कि जो आपके रिलीजियस रिचुअल उसको पूरा ही आप डिसमिस कर दो, आप उनको साथ में लेकर चलो, ठीक है, लेकिन आप जो है आपकी जो डेस्टिनेशन है उसको मत भूलो, ठीक है, उससे आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। जो आपकी डेस्टिनेशन है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जैसे ज्योति में ज्योत लगाना, ठीक है, जो परमात्मा का जो नाम है उसमें विलीन होना, ठीक है, वही जो है जो आपको एक भक्ति मार्ग का एक हिस्सा है जिसके ऊपर आपको चलना है, ठीक है। तो इस यहाँ पर भक्ति मार्ग पर चलने की बात की गई है, ठीक है, कैसे हम भक्ति करके जो है जो सही रास्ता है ज़िंदगी का वो अपना सकते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो जो भगवद गीता है वो भी हमें सिखाती है जो साइंटिफिक कंसेप्ट ऑफ गॉड है, ठीक है, तो उसको हमने कैसे सरेंडर करना है। जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समय पर भगवान श्री कृष्ण जी को सरेंडर कर दिया था, तो यहाँ पर जो योगा है, ठीक है, योगा कैसा होना चाहिए, ठीक है, उस योग कैसे हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी एक थोड़ी सी बात यहाँ पर बोली गई है। गीता जो है वो हमें सिखाती है कि जो हमारा कॉस्मिक सेल्फ है, ठीक है, जो अंतरात्मा है, उसको कैसे जानना है, ठीक है। और कृष्ण जी ने योगा को डिस्क्राइब किया है कि एक तरह की एक कला है सही एक्शन करने की, ठीक है। जब हम एक सही मान्य में एक योगी बन जाते हैं तो जो भी हम कार्य करते हैं वो बिल्कुल परफेक्टली जो है होता है, ठीक है,
और जो भी हम एक्शन लेते हैं वो सही होता है, राइट होता है, क्योंकि जब एक कोई भी योगी योग कमाता है तो अंदर की जो मैल है वो खत्म हो जाती है, जो ईगो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी जो है एक तरह की बीमारियां हैं जो हमारे मन को लगी होती हैं, तो इनको उतारना जो है ये हमारे ऊपर है। हम जितना श्रम करेंगे, ठीक है, जितनी कोशिश करेंगे, जितना ही हम ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम सफल होंगे। तो यहाँ पर ये भी बात बोली गई है कि जो हमारे एक्शंस हैं, ठीक है, और जो हमारी ईगो है, ठीक है, हमारे एक्शंस हमारी ईगो के अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ईगो को एक साइड पर रखना होगा, और जो भी हम काम करेंगे तो उसमें ये मान के चलना होगा कि हमें वापस में कोई रिटर्न नहीं चाहिए, हमें कोई वापस फल नहीं चाहिए। तो यही सही मायने में जो सही योगा है, जो आपको इच्छाओं से, ठीक है, और अटैचमेंट्स हैं उनसे आपको अलग कर देगा। ठीक है, सो लास्ट में यह बात बोली गई है कि जो अल्टीमेट एम है योगा का वो है लिबरेशन फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ डिल्यूजन इनहेरेंट इन आवर ईगो सेंट्रिक सेल्फ दैट कीप्स अस कन्फाइंड विद द बॉडी माइंड कम्प्लेक्स। सो यहाँ पर बात बोली गई है कि योगा का सही जो इम्पोर्टेंस है, जो उद्देश्य है, वो यही है कि जो भ्रम है, ठीक है, जो जिस भ्रमों में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस ईगो में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे बाहर निकालना। और जो ये बॉडी माइंड कम्प्लेक्स है, इसी चक्कर में हम काम करे जा रहे हैं, इससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं कर रहे, अपने आप को जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो भगत कबीर जी भी यहाँ पर बोलते हैं जैसे कि बंदे खोज दिल हर रोज ना फिर परेशानी माहे, कि अपने दिल को रोज खोजो, रोज खोजोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है, आपकी चिंताएं खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। तो ये था छोटा सा आर्टिकल द स्पीकिंग ट्री का, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए फर्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। तो ये आर्टिकल है रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जो है उसको लॉन्च करने की बात की गई है। ठीक है, उसकी रिसेंटली अनाउंसमेंट हुई है प्राइम मिनिस्टर जी द्वारा। तो यहाँ पर ये बात की गई है कि ये जो स्टेप है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, ठीक है, सो जिससे कि आने वाले समय में मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, और जो क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज है, प्रोसेसिंग है, और जो लॉजिस्टिक है, इनको जो है डेवलप किया जाएगा। तो ये एक तरह का वेलकम स्टेप है आने वाले समय में हमारे जो भारत के किसान हैं उनके लिए। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है ये बेसिकली हेल्प करेगा किसानों की कि जो भी वो अपने प्रोडक्शन लेकर आते हैं, ठीक है, जहाँ भी जो कोई भी चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उनको अच्छी तरीके से प्रोसेस किया जाए, संभाला जाए। हर एक जो चीज़ कोई भी किसान बनाता है, उगाता है, चाहे प्याज है, चाहे कोई फसल है, खास तौर पे जो हमारी डेली कंजप्शन की चीज़ें हैं जिसको हम सब्जियां बोलते हैं, ठीक है, वो ज़रा देर नहीं टिकती हैं। तो उनको क्या करता है किसान, कोशिश करता है कि एक ही बार में जितना भी रेट मिलता है तो वो बेच देता है। ठीक है, क्योंकि उसको डर रहता है कि अगर ये नहीं बिकी टाइम पे तो हो सकता है ख़राब हो जाए, तो उसकी इतनी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। तो यहाँ पर इसी चीज़ को सुधारने के लिए कि जो किसान जिसको सही रेट नहीं मिल पाता, ठीक है, उसको जो मजबूरी में अपनी फसल बेचनी पड़ती है, ठीक है, तो उसको एक स्टोरेज प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है, जिसको क्लाइमेट कंट्रोल स्टोरेज बोलते हैं, जहाँ पर अंदर एक रेफ्रिजरेशन का माहौल बनाया जाता है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर लगे होते हैं बड़े पैमानों पर, तो जो भी आप सब्जियां, प्याज, आलू कुछ भी रखना चाहते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक वो वहाँ पर प्रोसेस्ड रहते हैं, सेफ रहते हैं, तो उनको वो ख़राब नहीं होते। तो इससे यहाँ पर बात की गई है कि अगर ऐसा 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड अगर सरकार लेकर आती है, ठीक है, मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है, ऐसे कोल्ड स्टोरेजेस बनाती है आने वाले समय में, तो बढ़िया स्टेप है। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर्स हैं जिनको लॉस हो जाता है, ठीक है, उनके जब फसल ख़राब हो जाती है, तो ऐसा लॉस नहीं होगा। ठीक है, जितना भी वो उगाते हैं उनको उतना ही उतने का ही प्राइस मिल जाएगा। जैसे जितनी अगर सपोज करो उन्होंने 100 टन प्याज उगाया, तो 100 टन जो है वो बेच सकते हैं, ठीक है, चाहे 1 महीने के अंदर बेचें, चाहे 2 महीने के अंदर बेचें। ठीक है, तो जब तक फसल कट के बाहर आ चुकी है तो वो जो कोल्ड स्टोरेजेस हैं वहाँ पर अपनी जो फसल है उसको रिजर्व रख सकते हैं, ताँ जो कि जब भी सही प्राइस मिले तब उसको बेच दें, तो अच्छा जो है मुनाफा हम यहाँ पर कमा सकते हैं हमारे किसान।
आगे यहाँ पर बोला गया है कि अगर हमने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर चलाना है तो उसके लिए जो सबसे एसेंशियल चीज़ है वो है अवेलेबिलिटी ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, ख़ास तौर पे जो हमारे देहाती इलाके हैं, पेंडू इलाके हैं, वहाँ पर जो है पावर सप्लाई जो है निरंतर आनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर यह भी बात की गई है कि ये बहुत टफ़ है, अगर आप कॉन्टीन्यूसली पावर सप्लाई चाहते हैं वो भी कोल्ड स्टोरेज या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं किसानी के लिए उनके लिए, तो यहाँ पर एक थोड़ा टफ काम हो जाता है। पहली बात तो जो बिजली की चोरी है, ठीक है, वो नहीं रुक पाती सरकार, उसमें भी जो है इतना सक्सेसफुल नहीं है कि बिजली की चोरी रोक पाए। उसके बाद जो बात बोली गई है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो भी इतने काबिल नहीं है, काबिल कहने का मतलब कि इतने एबल नहीं है, इतना पैसा उनके पास नहीं है कि वो पावर जनरेटर्स जो हैं प्रोवाइड कर सकें, कि पावर सप्लाई जो है वो निरंतर आ सके। तो आगे ये भी बात की गई है कि अगर सरकार इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है तो वो इन्वेस्टमेंट खास तौर पे जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स में जब अगर इन्वेस्टमेंट होती है तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी कि वो जो जहाँ पर किसान अपनी फसल उगा रहा है उसके आसपास ही हो, ऐसा ना हो कि किसान का गांव जो है शहर से बहुत दूर हो, ठीक है, और वो अपनी प्रोडक्शन निकाल के वहाँ पर शहर में लेकर जा रहा है, तो फिर बात वहीं आ जाएगी, उसको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी पड़ जाएगा। तो ये चीज़, ये ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हर जो 2 या 3 गांव के लिए एक प्रोजेक्ट, एक जो है प्लांट होना चाहिए जहाँ पर वो अपनी फसल रख सकें। तो ये चीज़ यहाँ पर बात की गई है, ख़ास तौर पर यहाँ पर जो परिशेबल गुड्स हैं जैसे प्याज है, टमाटर है, ठीक है, जो जल्दी ख़राब होने वाले हैं, जिनकी सेल्फ लाइफ जो है बहुत कम है, तो उनके लिए जो है प्रोसेसिंग जो है ज़रूरी है। तो आने वाले समय में जो हमारी एग्री वैल्यू चेन है, ठीक है, एग्रीकल्चर की जो वैल्यू चेन है, इसमें बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिलेगा अगर ऐसी जो ऐसा फंड सरकार जो है लाती है। तो आगे यहाँ पर बात की गई है प्रोसेसिंग के बारे में कि फूड प्रोसेसिंग कैसे होती है। तो जो प्राइमरी प्रोसेसिंग होती है उसमें सिंपल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस आ जाती हैं, जैसे सफाई करनी, ठीक है, साइजिंग करना और पैकिंग करनी, उसके बाद जो पोस्ट हार्वेस्ट है, ठीक है, ये सब जो है प्राइमरी प्रोसेसिंग में आता है। फिर आगे सेकेंडरी प्रोसेसिंग की बात की गई है, इसमें जो बेसिक प्रोसेसिंग आ जाती है, पैकेजिंग आ जाती है, ब्रांडिंग आ जाती है, ठीक है, और जो हाई एंड प्रोसेसिंग है, ठीक है, उसमें आ जाता है कम्प्लेक्स प्रोसेसिंग, टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, मशीनरी आ जाती है, ठीक है, और फाइनेंसेस आ जाते हैं। तो ये जो है प्रोसेसिंग है जिसको 3 हिस्सों में बांट के यहाँ पर बताने की, समझाने की कोशिश की है ऑथर के द्वारा। आगे यहाँ पर जो बोला गया है कि अगर ये पॉलिसी जो है फोकस करती है मैन्युफैक्चरिंग मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, तो आने वाले समय में ये निश्चय है कि जो फार्मर्स हैं या फिर जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज हैं या कोऑपरेटिव्स हैं वो जो हैं उनका वैल्यू चेन जो है बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, जिससे अगर वैल्यू चेन बढ़िया हो जाता है तो फार्मर्स की इनकम जो है डेफिनेटली बढ़ेगी, और जो फार्मर्स जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करके लाएंगे उनको उतना ज़्यादा जो है इंसेंटिव मिलेगा। तो यहाँ पर जो द AIF स्कीम है, ठीक है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, ये उसी इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज का हिस्सा है जो कि सरकार ने कुछ 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले लॉन्च किया था, जिसको 20 लाख करोड़ का पैकेज बोला गया था, ठीक है, आत्मनिर्भर अभियान जिसको बोला गया था। तो ये जो स्कीम है, ये जो पैकेज है, ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करेगा, एक तरह का मीडियम टू लॉन्ग टर्म जो है डेट फाइनेंसिंग जो प्रोवाइड करेगा, ताकि जो कि अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो आ सके जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए। ठीक है, तो अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी बाहर से, ठीक है, सरकार भी पैसे लगाएगी, तो ये ज़्यादा तेज़ी से ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू हो जाएगा और जल्दी जो है ख़त्म भी हो सकता है। और आने वाले समय में जो कम्युनिटी फार्मिंग है, ठीक है, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स है, ठीक है, इनको भी जो है इम्प्रूव करने की बात की गई है इसी स्कीम के थ्रू। ठीक है, कि जो इंटरेस्ट सबवेंशन है और जो क्रेडिट गारंटी है ये प्रोवाइड करके किसानों को। ठीक है, तो ये था आर्टिकल एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में। तो क्या क्या कैसे कैसे जो है हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे किसानों की मदद कर सकते हैं, तो इस आर्टिकल में यही चीज़ें बताने की जो थी कोशिश की गई थी। तो आई होप आपको आर्टिकल समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं।
सॉरी, जो कंक्लूजन था इस आर्टिकल का वो रह गया था डिस्कस करना, तो उसको भी लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है कि मार्केट लिंकेज हमने बनाने हैं, वहाँ पर बनाने हैं जहाँ पर मार्केट है ही नहीं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पर पहले से मार्केट है वहीं पर हम दोबारा से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके प्रोजेक्ट बनाने शुरू कर दें। हमने वहाँ पर फोकस करना है जहाँ पर अभी जिनको ज़रूरत है, ठीक है। तो उन एरियाज़ के ऊपर फोकस करके हमने मार्केट लिंक, ठीक है, और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जो है उनको डेवलप करना है। और ये कोशिश करनी है कि जो पावर सप्लाई है वो अवेलेबल हो, ठीक है, 24 घंटे पावर सप्लाई अवेलेबल हो, और एक वास्ट नेटवर्क रेगुलेटेड वेयर हाउसेस का हमने इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। तो इसके लिए समय लगेगा, ठीक है, बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हमने एक बड़ा नेटवर्क जो है बनाना है वेयर हाउसेस का। और आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि जो चैलेंज है वो है कि जो प्लांट क्रॉप्स है उनके लिए, ठीक है। सो जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है और अमूल है, ठीक है, इन दोनों ने जैसे डेयरी सेक्टर के लिए काम किया है, तो वैसे ही जो है आने वाले समय में फार्मिंग सेक्टर के लिए भी, ठीक है, तो ऐसे ही काम करना होगा, ठीक है। तो फार्मिंग सेक्टर के लिए भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, ठीक है, तो जो जो कि काम करती हैं। तो यही बात बोली गई है कि बड़ा टफ है, जैसे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने किया था, अमूल ने किया था, एक तरह की दूध की क्रांति लेकर आ गए थे पूरे इंडिया में, ठीक है। तो इसी तरह की क्रांति लाने की दोबारा ज़रूरत है, और जो गवर्नमेंट है इसकी जो है यहाँ पर इंटरवेंस होनी चाहिए, ठीक है, इन सभी सेक्टर्स में। तो कोशिश करनी चाहिए गवर्नमेंट को कि जो प्रेडिक्टेबल एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी है, ठीक है, फार्म प्रोड्यूस के लिए, और जो फंक्शनल फॉरवर्ड मार्केट्स हैं फॉर फार्म प्रोड्यूस, उनको सुधारने के लिए, उनको आगे आगे से सही करने के लिए सही जो एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी है वो लेकर आना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ये आर्टिकल समाप्त होता है। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं। ये जो आर्टिकल है ये है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है रिसेंटली, तो वहाँ पर जो मदर टंग को इम्पोर्टेंस दी गई है उसके बारे में, तो बहुत ही अच्छे तरीके से इस आर्टिकल को लिखा गया है, तो इसको डिस्कस करते हैं। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर बात की गई है कि अगर हम मदर टंग में अपनी जो होम लैंग्वेज है, ठीक है, उसको एक मीडियम इंस्ट्रक्शन के तौर पर अपनाते हैं, ठीक है, अर्ली जो लर्निंग है बच्चों के लिए उसमें, तो एक तरह का जो है एक अच्छा डिसीजन है, ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया है। तो इससे आने वाले समय में जो शुरुआती लर्नर हैं, ठीक है, अर्ली लर्नर्स हैं, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं, इनको बहुत ही जो है फ़ायदा देखने को मिलेगा आने वाले समय में जब वो अपनी मदर टंग में कोई भी बात सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि अगर हम मदर टंग को इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम इंग्लिश को अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। पहली बात तो ये है, बहुत से लोगों के दिमाग में ये बात आ जाती है कि जब हम मदर टंग में शिक्षा देने की बात करते हैं तो उसका मतलब हम ये समझते हैं कि हम इंग्लिश को जो है वो सही भाषा नहीं समझते हैं, ठीक है, जहाँ इंग्लिश के लिए जो है एक नफरत की भावना रखते हैं। ऐसा नहीं है, देखो इंग्लिश भी जो है आज के समय में उतनी ही ज़रूरी है जितनी हमारी मदर टंग को डेवलप करना, ठीक है, मदर टंग को जो है संभाल कर रखना। सो जो इंग्लिश है, इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, देखो आज जब अगर बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो उसका एक मोटिव है, जो सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इंग्लिश तो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है। अगर आपने किसी भी फॉरेन कंट्रीज में जाना है तो वहाँ पर अगर आपने किसी से बात करनी है तो आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, ठीक है, इंग्लिश की समझ आना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है। तो ये तो पहली बात हो गई जिसके लिए पेरेंट्स जो है सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हमारे बच्चे को जो है इंग्लिश ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो मदर टंग है वो तो घर पर भी सीख लेगा। ये जो एक थिंकिंग है पेरेंट्स की आमतौर पर। दूसरी एक्चुअली में बात रीज़न क्या है इंग्लिश का, इंग्लिश सीखने का, देखिए अगर आपने फ्यूचर में आगे बढ़ना है, ठीक है, फ्यूचर में कोई भी रिसर्च करनी है या फिर फ्यूचर में आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, जिसमें आपने कोई इंटरेस्टिंग ऐसे पढ़ा है या स्टोरी पढ़ी है, तो वो जितने भी बढ़िया बढ़िया आर्टिकल्स हैं, जितने भी बढ़िया बढ़िया रिसर्चेस हैं, ठीक है, जितनी भी बढ़िया बढ़िया हिस्ट्रीज जो भी रिसर्च के रिलेटेड हिस्ट्रीज हैं वो सारी की सारी इंग्लिश लैंग्वेज में ही लिखी गई है, ठीक है। तो या तो सरकार ये करे कि जो जितनी भी अच्छी हिस्ट्रीज हैं, जितनी बुक्स जो है इंग्लिश में पब्लिश हो चुकी हैं, ठीक है, जितने भी रिसर्चर्स हैं उन सभी को जो है भारतीय भाषाओं में उनका रूपांतरण करवा दे, तो ये इतनी जल्दी हो ऐसा मुमकिन नहीं है, ये ग्रेजुअली मुमकिन होगा। धीरे धीरे लगे हुए हैं लोग, सरकार भी पॉलिसी लेकर आ रही है कि मदर टंग में जो है अच्छी क्वालिटी बुक्स जो है इंग्लिश की उनको कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। सो ये भी एक रीज़न है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्यों सीखनी है। तो
तो यहाँ पर आगे बात बोली गई है कि अगर हम मदर टंग को इम्पोर्टेंस देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी इंग्लिश है, ठीक है। सो आगे बात बोली गई कि इंग्लिश पढ़ानी चाहिए, ठीक है, स्कूल्स में अर्ली ईयर्स में, ठीक है, जिससे कि टीचिंग में भी एक एनहांसमेंट आती है, ठीक है। एक जो आगे यहाँ पर बात बोली गई है कि अगर हमने इंग्लिश सीखनी है तो आजकल का जो युग है, ऑनलाइन युग, वहाँ पर तो वैसे भी जो ऑडियो विजुअल रिसोर्सेस अवेलेबल हैं वहाँ पर भी आप सीख सकते हो। आगे बात बोली गई है कि जो मदर टंग है इसमें जो इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को देंगे अर्ली स्टेजेस में, तो उससे जो एक जो गैप है, ठीक है, घर और स्कूल के बीच में, वो गैप जो है वो भर जाएगा, ठीक है, वो गैप हम खत्म कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जब स्कूल में बच्चा जाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, तो उस समय उसको जो है डेवलपमेंट चाहिए, उसके माइंड को जो है डेवलप होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम ऐसी लैंग्वेज में उसको इंस्ट्रक्ट करें जिससे कि बच्चा कन्फ्यूज हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि क्या इंस्ट्रक्शन उसको पास आउट की जा रही है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में मदर टंग को इम्पोर्टेंस दी गई है कि बच्चा घर से मदर टंग में ही बात करता है, जब स्कूल में भी मदर टंग में स्टार्टिंग में आपको इंस्ट्रक्शंस दोगे वो जल्दी समझेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी सरकार ने जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई है तो उसका दायरा रखा है कि फिफ्थ क्लास के बाद जो है इंग्लिश आप पढ़ सकते हो। हालांकि इंग्लिश पहले भी पढ़ सकते हो लेकिन फिफ्थ क्लास तक जो है मदर टंग की प्रोविजन दे दी है कि मदर टंग में टीचिंग होगी। और जो आगे यहाँ पर बात की गई है कि जो अर्ली चाइल्डहुड है और जो प्री स्कूल है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने बच्चों का स्ट्रांग बेस बनाना है, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग प्ले भी जो है इन्वॉल्व होंगे, एक्टिविटीज़ बच्चों की इन्वॉल्व होंगी जिससे बच्चा सीखेगा। और जो अर्ली ईयर ऑफ स्कूल है, ठीक है, एक तरह का फॉर्मल लर्निंग होगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों का इंटरेस्ट नहीं बिगड़ने देना है हमने, ठीक है। बच्चों का जो इंटरेस्ट है उसको और मजबूत करना है पढ़ाई में। तो उसके लिए यही है कि जो गैप है कि जो लैंग्वेज घर में बोली जाती है और जो स्कूल में बोली जाती है, अगर दोनों अलग अलग हो जाएंगी तो बच्चे का इंटरेस्ट टूट जाएगा जो भी हम बच्चों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले समय में जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं, ठीक है, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि हम मदर टंग में ही सिखाएं। सो आगे बात की गई है कि जो स्टडीज की गई हैं पिछले समय में मदर टंग के बारे में, तो ये चीज़ पाई गई है कि अगर मदर टंग में बच्चों को हम स्टार्टिंग में सिखाते हैं तो बच्चे का जो बेस है वो स्ट्रांग बनता है और आने वाले समय में जो भी वो नई लैंग्वेजेस सीखता है उसमें वो लैंग्वेजेस सीखने को उसे बहुत आसानी होती है, ठीक है। तो इससे जो एक डिवाइड बना हुआ है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में कि जो इंग्लिश मीडियम वर्सेस इंडियन लैंग्वेज, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। दोनों में एक तरह का इक्वलिटी का भाव जो है आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं अगर कोई अपनी इंडियन लैंग्वेज में स्टडी कर रहा है, ठीक है, और दूसरा अगर इंग्लिश लैंग्वेज में कर रहा है तो इंग्लिश लैंग्वेज को वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। आगे अगर आप कोई जॉब लेने जा रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने किसी को इम्प्रेस करना है ना तो सिर्फ इंग्लिश की लाइनें बोल दो, ठीक है, इंग्लिश में उसको अपनी इंट्रोडक्शन दे दो, इंग्लिश में उसको कन्वर्सेशन कर लो, तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है। बहुत सारी कैटेगरीज में टैलेंट जो है नहीं देखा जाता, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश की प्रेजेंटेशन है वो आपकी जो है देखी जाती है। जितना आप दूसरे को प्रभावित कर दोगे, ठीक है, उतने ही जो है आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। सो एक तरह का ये मेंटेलिटी बन गई है जो कि सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंडियन लैंग्वेजेस भी अपने जगह पर बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है, इनका भी जो हिस्ट्री है बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। ये तो समय का चक्कर है कि जिससे कि इंग्लिश जो है अभी जिसको हमें पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। आने वाले दिनों में अगर हम दुनिया में बिचरेंगे जाएंगे तो वहाँ पर हमने अगर बोलना है तो इंग्लिश ही ज़रूरी है। तो आगे यहाँ पर बोला गया है कि बच्चों को इंग्लिश भी सिखानी चाहिए कि बच्चे कि आसानी से अच्छे से जो है पढ़ सकें, लिख सकें, ठीक है, और बोल सकें फ्लुएंसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनलाइन भी बहुत सारे जो टूल्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को मदद कर सकते हैं, तो इनका भी जो यूज़ है करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि बच्चों को सीखने में और आसानी हो। तो ये था मदर टंग के बारे में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में छोटा सा आर्टिकल। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो ये जो इमेज है यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं, ठीक है, उसमें कैसे जो है रिडक्शन देखने को मिली गई पिछले समय में। जैसे 1986 की यहाँ पर बात की गई है, जो कोल्ड वॉर है उसके समय की यहाँ पर बात की गई है। सो कोल्ड वॉर थी,
ये यूएसएसआर और यूएसए इन दोनों के बीच में चली है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर टू ख़त्म होने के बाद काफ़ी लंबे समय तक ये कोल्ड वॉर दोनों मुल्कों के बीच चली है, ठीक है। और 1989 के जो 1989 में ये ख़त्म हुई थी जब यूएसएसआर जो था वो टूट गया था। ओके, तो यहाँ पर बात की गई है कि जब 1986 का टाइम था तो तभी इनकी जो क्वांटिटी थी न्यूक्लियर वेपन्स की वो 70,000 के आसपास थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है ये क्वांटिटी बहुत कम होनी शुरू हो गई, ठीक है। अभी अगर हम इस ईयर की बात करें तो अभी सिर्फ 13,410 के आसपास हैं, ठीक है। जो ज़्यादा कट्स लगे हैं ये 1990s में लगे हैं जब यूएसएसआर का विघटन हुआ था। उस समय काफ़ी ट्रीटी साइन हुई थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में, ठीक है। तो ये यूएसए जो था वो कोल्ड वार जीत गया था, बहुत ट्रिक्स उसने अजमाई थी यूएसए ने कि कैसे यूएसएसआर को तोड़ा जाए, ठीक है। सो आगे यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल दी गई है कि अगर 2020 का स्टेटस चेक करें कि हर एक के पास, हर एक जितने भी नेशन जिनके पास न्यूक्लियर पावर है तो कितने कितने उन्होंने न्यूक्लियर वेपन रखे हुए हैं, तो यहाँ पर स्टार्टिंग में टॉप पर रशिया है, ठीक है, जिनके मिलिट्री के पास 4,312 न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इन्वेंट्री में जो है वो 6,372 है, ठीक है। तो आगे यूएस है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर फ्रांस है, चौथे नंबर पर चाइना है, ठीक है। सो यहाँ पर अलग अलग डिटेल्स बताई हुई हैं जिनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है। तो फ्रांस देख लो, उसके पास 290 वेपन्स हैं, उतनी ही इन्वेंट्री है, उतना ही स्टॉक है, उतनी ही मिलिट्री के पास, मतलब जितना स्टॉक है सारा का सारा मिलिट्री को उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। सो पाकिस्तान के पास भी 160 के करीब है, इंडिया के पास 150 के करीब है, नॉर्थ कोरिया भी यहाँ पर है जिसके पास 35 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये था एक छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन थी कि न्यूक्लियर वेपन्स अभी आने वाले समय में दिख रहा है कि कम हो रहे हैं और ये आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में इनकी जो मात्रा है वो और कम हो। तो ये था पार्ट वन द इकोनॉमिक टाइम्स एडिटोरियल एनालिसिस का। आई होप आपने एंजॉय किया है, ठीक है, और आप समझ रहे हैं कि जो भी आप यहाँ पर डिस्कशन हो रही है। देखिए ये जो डिस्कशन है बहुत ही ज़रूरी है, अगर अपने आप को आपने डेवलप करना है, अपने माइंड को शार्प करना है, आगे बढ़ना है, यूपीएससी क्रैक करना है, ठीक है, या फिर अच्छा इकोनॉमिस्ट बनना है। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।